हेलो बच्चों, कक्षा नौवीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आपको मैंने बताया अपना कोर्स हो चुका है बेटा। अब अपन परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो एक नंबर वाले प्रश्न छोटे छोटे अपन देखेंगे पहले। तो ये अपन है बेटा भारत की आकार और स्थिति के अंतर्गत छोटे छोटे एक नंबर के जो प्रश्न है जो परीक्षा में आपसे संभवतः पूछे जा सकते। तो भारत का मानक समय निर्धारित होता है, भारत का मानक समय निर्धारित होता है तो 72 पूर्व देशांतर से, 80 30 पूर्व देशांतर से, तीसरा है 82°30' इंच पूर्व देशांतर से और 85 पूर्व देशांतर से। तो इसका सही उत्तर है बेटा 82°30' पूर्व देशांतर से। तो ये आपका सही आंसर हो गया बेटा। उसके बाद है भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से या फोर्थ ऑप्शन से इसका मध्य प्रदेश से। तो जो इसका सही आंसर है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, महाराष्ट्र से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, महाराष्ट्र से गुजरती है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। फिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा या नागर हवेली, तीसरा है लक्षद्वीप और पांचवा है पांडुचेरी। तो देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो क्षेत्र है वह कौन सा है, इसका है ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो इसका क्या है, अंडमान द्वीप मतलब निकोबार द्वीप समूह जो है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। फिर विश्व के क्षेत्रफल का कितना भूभाग, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भूभाग भारत में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1.2%, दूसरा ऑप्शन है 1.8% और तीसरा ऑप्शन है 2.4% और चौथा ऑप्शन है 3.4%। तो इसका सही आंसर है 2.4%। तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना भूभाग भारत में है, तो इसका सही आंसर है 2.4%। इसका जो आंसर है 2.4% जो है वह भारत के भूभाग में है। फिर भारत में कितने राज्य हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा 18, सेकंड है 22, थर्ड है 25 और फोर्थ वाला ऑप्शन है 28। तो जो इसका सही आंसर है भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य है। तो इस प्रकार बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न है, आप इनको कॉपी में लिखोगे और देखो। फिर भारत में उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के खाली स्थान, तो जो भारत का उत्तरी गोलार्ध है और उसका एशिया महाद्वीप जो है उसके खाली स्थान में स्थित है, तो कौन सा भाग स्थित है एशिया महाद्वीप में, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में क्या है स्थित है भारत के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में दक्षिणी भाग में क्या है स्थित है। फिर दूसरा है खालिस्तान भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो जो क्या है 2 बराबर भागों में बांटता है भारत को, वो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बेटा
राज्य है। चौथा है, भारत में और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। जो भारत में श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में खालिस्तान का अंतर है। जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है उसके स्थानीय समय में कितने देर का अंतर है बेटा? 2 घंटे का। कितने देर का? 2 घंटे का। जो 2 घंटे का वहां पर समय अंतराल है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय अंतराल है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा खालिस्तान जैसी नहीं है। तो हिंद महासागर के किसी भी देश में मतलब तटीय सीमा क्या है? खालिस्तान जैसी नहीं है। तो तटीय सीमा वहां कैसी है? भारत जैसी नहीं है। तो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। फिर दक्षिण का पठार हिंद महासागर में खालिस्तान में फैला है। तो दक्षिण का मतलब जो पठार है वह कैसा है? शीर्षवत है। कैसा है? शीर्षवत। शीर्षवत है। दक्षिण भारत का हिंद महासागर खालिस्तान शीर्षवत में फैला हुआ है। ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न है, आप इनको देखोगे और याद करोगे। फिर उसके बाद है फिर सत्य सत्य देखेंगे बच्चों। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये क्या हो गया? सत्य हो गया। फिर अंडमान द्वीप मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये हो गया आपका असत्य। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो भारत है वह सातवां बड़ा देश है, ये बात ये भी सत्य है बेटा। फिर है कर्क रेखा भारत के 4 भागों में बांटती है। वो भी आपको मैंने बताया था 2 भागों में। तो ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। फिर है भारत में पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार और उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा अधिक प्रतीत होता है। नहीं, ये क्या है बेटा? असत्य है, क्योंकि पूर्व का क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न है, आप इनको देखोगे और कॉपी में लिखकर याद करोगे। फिर उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल लिखिए। आपके लिए एक वाक्य में उत्तर दो, तो भारत का क्षेत्रफल लिखिए। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल है 32.5 का आंसर है 32.8 8,00,000 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितनी है? इसका आंसर है 15,200। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। फिर है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम रूपा कौन सा है? तो जो विशाल प्रायद्वीप, इसका आंसर है विशाल। मानव तर्क किस स्थान से
होकर गिरती है, तो वह है इसका आंसर है मिर्जापुर। भारत के मुख्य भाग में दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो जो भारत का मुख्य भाग में दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या है स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर इसके बाद है बेटा पूर्वी तटों पर जो पश्चिम और पूर्वी तट है केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बताइए, तो पश्चिम और पूर्वी तटों में दादर और नागर में हवेली, दमन और दीव और पांडुचेरी, तो पश्चिम और उत्तर तटों के मुख्य केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है 3, दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप और पांडुचेरी। फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो मतलब क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, तो मध्य प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा समुद्र तट को स्पर्श करते हैं कौन कौन से, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को जी सब क्या है स्पर्श नहीं करते। कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, तो उसमें आएगा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं समुद्र तट को क्या करते हैं, स्पर्श नहीं करते। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित है, तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बेटा आपके 2 नंबर के प्रश्न हो गए, भी आपको मैंने 1 नंबर के बताए थे, 2 नंबर के प्रश्न हो गए। आपको परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये छोटे छोटे प्रश्नों को कॉपी में लिखना है और ध्यान से इनको आपको देखना है और परीक्षा की तैयारी करना है। धन्यवाद।